हेलो दोस्तों, अशोक इंस्पायर क्लासेस में आपका स्वागत है। तो नया चैप्टर के साथ आगाज करते हैं, घातांक एवं करनी और उसके कुछ क्वेश्चन हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले बेसिक बातें सीख लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट है कि ए के पावर एम गुने ए के पावर एन बराबर होगा ए के पावर एम प्लस एन। अगर बेस सेम हो तो गुना में पावर जोड़ देंगे। एक और देखिए, ए के पावर के गुने ए के पावर एम गुने ए के पावर एन बराबर हो जाएगा ए के पावर के प्लस एम प्लस एन। अगला होगा जब भाग रहेगा, अगर बेस सेम हो और प्लस में भाग रहेगा, ए के पावर एम भागा ए के पावर एन तब हो जाएगा ए के पावर एम माइनस एन। यही अगर बटा में भी रहेगा तो सेम कहानी यही होगा कि ए के पावर एम बटा में ए के पावर एन तो ए के पावर एम माइनस एन। ये तो था बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो। तो अगर पावर आपकी सेम होगा तब क्या होगा, जैसे मैं देखिएगा, ए के पावर एम गुने बी के पावर एम, तो यहाँ पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो दोनों को बेस को गुना कर देंगे, यानी ए गुने बी के पावर यहाँ हो जाएगा एम। एग्जांपल से समझाएंगे, जैसे देखिए यहाँ से एग्जांपल समझा रहे हैं। ले लेते हैं पांच के पावर तीन गुने छ के पावर तीन बराबर हो जाएगा पांच गुने छ के पावर तीन, यानी गुना करके कीजिएगा तो छ पचे तीस के पावर में तीन आंसर। अगला देखिएगा, आइए अब इसके क्वेश्चन एक और है क्या कि अगर ए के पावर एम और उसके पावर में एन रहेगा तो अगर पावर के पावर में ए है तो पावर गुना हो जाएगा, यानी कि ए के पावर एम गुने एन। यही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो आइए इसको क्वेश्चन बनाते हैं, इसको लिख लीजिए कॉपी पे। अब देखिएगा क्वेश्चन, एक दो और है कॉन्सेप्ट जो देखिए, ए के पावर अगर माइनस में वन है तो वन बटा ए के पावर वन होगा। अगर मान लिया जाए यहां ए के पावर माइनस टू दे दिया तो वन बटा ए के पावर दू, यही भिन्न में रहेगा तब रिवर्स होगा। कैसे होगा से देखिएगा, एक ए बटा बी के पावर में अगर यहां पड़ी माइनस वन देते हैं तो यहां पड़ी बी बटा ए के पावर में वन हो जाएगा। वन लिखिए या न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी के पावर वन ये वही खुद होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझिएगा कि क्यों रिवर्स फ्लड आता है। तो यहां से देखिएगा, एक संख्या ले रहे हैं, जैसे मैं तीन के पावर चार गुने तीन के पावर नहीं गुना नहीं यहाँ भागा दे रहे भागा तीन के पावर पांच, यानी कि कॉन्सेप्ट से हो गया, यानी कि तीन के पावर चार माइनस पांच यानी कि तीन के पावर माइनस वन, तीन के पावर माइनस वन, तीन के पावर वन माइनस वन अभी कॉन्सेप्ट बताए हैं, इसको कहेंगे तीन के पावर तीन वन बटा तीन। लेकिन अगर ये दूसरा मेथड से चलेंगे तो यानी कि तीन गुने तीन गुने तीन गुने तीन और बटा में भागा के मतलब बटा, तो तीन के पावर नीचे कितना लिखना होगा तीन, तीन के बाद पांच है तो तीन पांच गो होगा, यानी कि तीन गुने तीन गुने तीन गुने तीन, एक दो तीन चार पांच, पांच गो हो गए, काट दो चार गो तो कट जाएगा, बच गया एक, यानी कि बच गया क्या एक बटा तीन। इसलिए तीन के पावर इतना करने से अच्छा है कि तीन के पावर यहीं पे घटा देंगे, तीन के पावर वन अगर जो माइनस वन रहेगा तो वन बटा तीन हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये तो एग्जांपल था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसका अगर मान लीजिए यहाँ पे एक है, अगर यहाँ पे दो रहता तब यहाँ ए बटा बी और उसके पावर में यहाँ पर माइनस दो रहेगा तब, यानी कि बी बटा ए, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इसी पे आधारित दो चार गो क्वेश्चन है, पांच गो क्वेश्चन है, पांच नहीं छह गो है। ठीक है, तो देखते हैं पहला का क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है पांच बटा चार और उसके पावर में माइनस पांच, भागा में पांच बटा चार के पावर माइनस तीन, है ना। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां बेस दोनों का सेम है और भागा है, तो हम बताए थे अभी बताए हैं क्या कि अगर बेस सेम है और भागा में है तो पावर घटता है, यानी कि पांच बटा चार के पावर माइनस पांच, अब यहां भागा है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इसके माइनस तीन दिया हुआ है, तो हल कर लीजिएगा इसको, कितना होगा पांच के बटा चार के पावर में माइनस पांच, यहाँ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी तीन, यानी कितना होगा पांच बटा चार के पावर में माइनस दो आएगा, तो ये पलट जाएगा, यानी कि पांच के बटा चार के पावर में माइनस दो, यानी कि ये हो जाएगा कितना चार बटा पांच के पावर दो हो जाएगा, यानी कि सोलह बटा पच्चीस, यही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है जिसको ऊपर में डालते हैं, दूसरा है तीन के पावर माइनस चार गुणे वन बटा तीन के पावर तीन। तो इसको अभी कॉन्सेप्ट बताए थे कि ये हो जाएगा वन बटा तीन के पावर चार हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि पूरा के चार हो जाएगा, क्योंकि वन के पावर चार वन ही देता है, है ना। अब गुणे में वन बटा तीन के पावर तीन है, ध्यान दीजिएगा, जब बेस सेम हो और गुणा में हो तो पावर जुटता है, यानी कि वन बटा तीन के पावर चार प्लस तीन, यानी बराबर हो जाएगा वन बटा तीन के पावर चार तीन सात, यही आंसर है। अगला देखिएगा, तीसरा, तीसरा में है छ के पावर माइनस तीन गुने वन बटा छत्तीस के पावर माइनस दो, तो यहां से छ के पावर माइनस तीन है ना, यहाँ हो जाएगा वन बटा छ के पावर तीन, छ के पावर तीन, गुणे में छत्तीस को क्या लिख सकते हैं, छत्तीस को लिख सकते हैं वन बटा छ के पावर दो, और उसके पावर में क्या है, उसके पावर में है माइनस दो, माइनस दो है, यानी कि यहाँ वन बटा छ के पावर माइनस तीन, नहीं तीन है खाली, और गुणे में अगर अभी बताए हैं कि a के पावर m और उसके पावर अगर n हो तो पावर गुणा हो जाता है, यानी कि a के पावर m गुणे n हो जाता है, है ना। तो यहाँ पे कर दीजिए, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा वन बटा सिक्स के पावर में क्या हो जाएगा दो गुणे माइनस दो हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा वन बटा छ के पावर तीन गुणे वन बटा छ के पावर यहाँ कितना हो जाएगा माइनस दो दुना चार, बराबर अगर बेस सेम हो तो पावर जुटेगा, यानी कि कितना हो जाएगा वन बटा छ के पावर तीन प्लस में यहाँ माइनस चार दिया हुआ है, तो यहां से हो जाएगा कितना वन बटा छ के पावर में तीन माइनस चार, यानी वन बटा छ के पावर में माइनस वन, तो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि वन बटा छ नहीं छः बटा वन हो जाएगा और उसके पावर में वन, यानी तो लिखते नहीं वन और बटा में वन भी नहीं लिखते हैं, यानी कि खाली छः आंसर हो जाएगा। चौथा का देखिएगा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा में है वन बटा तीन के पावर में माइनस सात है और भागा वन बटा नौ
के पावर में माइनस दो है, गुने वन बटा तीन के पावर दो। तो यहाँ पे हम बेस सेम करेंगे, बेस यानी आधार को सेम करेंगे, तो यहाँ वन बटा नौ है, इसको वन बटा तीन कर सकते हैं, यानी कि वहां यहाँ हो जाएगा वन बटा तीन के पावर में माइनस चार भागा यहाँ वन बटा तीन के होल स्क्वायर, और उसके पावर में क्या है माइनस दो है, और गुने में वन बटा तीन के स्क्वायर है। तो यहाँ हो जाएगा वन बटा तीन के पावर माइनस सात भागा यहाँ हो जाएगा वन बटा तीन के पावर दो से गुना हो जाएगा माइनस दो में, यहाँ वन बटा तीन के पावर दो। अब यहाँ देखिएगा वन बटा तीन के पावर माइनस सात भागा वन बटा तीन गुना कर दीजिए, तीन दुना दो दुना चार माइनस में वन बटा तीन के पावर दो है। अब देखिए यहाँ बेस सबका सेम हो गया, और यहाँ भागा में है तो घटेगा, और यहाँ गुना में है तो जुटेगा, यानी कि वन बटा तीन के पावर में क्या होगा यहाँ माइनस सात, यहाँ भागा है तो घटाओ, यहाँ माइनस में चार हो जाएगा, और प्लस में यहाँ क्या है दो है। अब हल कर दीजिए इसी को, बराबर में हो जाएगा एक बटा तीन के पावर में माइनस सात, और माइनस से माइनस गुना करेंगे तो यहाँ प्लस चार, यहाँ प्लस दो हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना एक बटा तीन, अरे इसको मिटा दो, एक बटा तीन घटाइए सात में से चार गया तो हो जाएगा तीन होगा माइनस में, और प्लस में दो है, यानी कितना हो जाएगा वन बटा तीन के पावर में, अरे घटाओ डायरेक्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ ओवरऑल माइनस सात यहाँ प्लस छ है, तो यहाँ वन बटा तीन के पावर में माइनस वन होगा, यानी पलट दीजिए, यानी कि तीन खाली होगा आंसर इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, नहीं सेकंड लास्ट है, पांचवा के देखिएगा, ये वाला लिख लीजिएगा, अगर ज्यादा फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला मिटा रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन है, एकासी के पावर में है तीन और उसके पावर में है चार, तो अभी बताए हैं ए के पावर एम के पावर एम बराबर होता है ए के पावर एम गुने एम, तो गुना कर दीजिए एकासी गुने तीन गुने चार, एकासी के पावर तीन गुने चार, यानी कि हो जाएगा एकासी के पावर छत्तीस बारह, लेकिन ये बारह आंसर नहीं होगा, एकासी किसके पावर है तीन के पावर है, यानी एकासी को लिख सकते हैं तीन के पावर चार और उसके पावर में बारह, गुना कीजिएगा आप तो हो जाएगा तीन के पावर चार गुने बारह, यानी हो जाएगा तीन के पावर बरचो पैतालीस। लास्ट क्वेश्चन समझिएगा, लास्ट क्वेश्चन, सत्ताईस के पावर जीरो, तो यहां गुने तीन के पावर चार, और गुने में यहां है वन बटा तीन के पावर माइनस दो, किसी संख्या के पावर जीरो कितना होता है अभी नोट कर लीजिएगा, जैसे ए के पावर जीरो हो वन होगा, बी के पावर जीरो हो वन होगा, दो के पावर जीरो हो वन होगा, कोई भी संख्या ले लीजिए ए बी की जगह, कोई भी एक से लेकर एन तक कोई भी, जैसे मान लिया जाए 228 के पावर जीरो भी लिखेगा तो वन ही होगा, किसी के भी संख्या के पावर जीरो वन होगा, तो यहाँ पे वन गुने में यहाँ तीन के पावर चार है, और गुने में यहाँ देखिएगा वन बटा तीन के पावर माइनस दो है तो पलट जाएगा, यानी कि तीन के पावर खाली दो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका इसका बेस सेम है तो पावर जुटेगा, यानी कि वन गुने वन गुन वन से गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तीन के पावर चार, चार है यहाँ तीन के पावर दो है, गुना में जुटेगा पावर, यानी कि तीन के पावर चार प्लस दो, यानी हो जाएगा तीन के पावर छ, तीन के पावर कितना होगा छ, और तीन के पावर छ होता है 729 आंसर। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ आप सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करने का भी अधिक कष्ट करो, क्योंकि
तुम लोग अपने बैच के अति में करेगा तभी चैनल ग्रो करेगा, अभी चैनल मेरा छोटा है, ठीक है। और लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है।